हमारे पास हर महीने बार बार लौट के आ रहा है, रीजन क्या है? मेन पॉइंट समझ में ये आया कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बॉडी जो है अंदर से खत्म होती चली जा रही है। देन उसके बाद में एक चीज समझ में ये आई कि हमारे कोई रिसर्च करना पड़ेगा आयुर्वेद और न्यूट्रिशन के ऊपर। देन मेरी पर्सनल रिसर्च रही 14 सालों की, और प्लस पॉइंट से निकल के ये आया कि जो फैमिलीज के साथ में मेरी इंटरेक्शन होती रहती है, आप जैसे दोस्त मुझे बुलाते हैं, मैं परिवारों के साथ बैठता हूं एंड मैं लाइफस्टाइल बॉर्न डिजीजेस के बारे में बात करता हूं कि हमारे परिवार में बीमार इंसान क्यों है। सुबह उठते हम बढ़िया खाना खा रहे हैं, रात बढ़िया हो रही है, मगर ऐसा क्या है कि दिन भर हमारी थकावट रहती है। दिखने में इंसान जो है, जो आज 15 साल का इंसान है, वो प्रैक्टिकल शेप में 25 साल का नजर आ रहा है। आपने सोचा ये बारे में? थोड़ा मैं साथ चाहूंगा आप लोगों का, आपके परिवार में ये मान के चलिएगा कि जो लोग प्रैक्टिकल शेप में आज अगर 40 साल के हैं तो शायद वो 55-60 साल के नजर आ रहे हैं। चेहरे पे झुरियां पड़ रही हैं, झाइयां पड़ रही हैं, एनर्जी लेवल कम हो रहे हैं। बच्चे, पहले याददाश्त इतनी बढ़िया हुआ करती थी, आज क्या है, बच्चों में नंबर कम आ रहे हैं। रीजन क्या है? ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्टंटिंग हो रही है। रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या हमने समझने की कोशिश की इस बारे में? बच्चा एग्जाम देके आता है और उसके बाद में उसके क्या होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं है, हम क्या करते हैं, पिटाई लगाते हैं, पढ़ाई। रीजन क्या था? हमने समझने की कोशिश नहीं की, क्या उसकी बॉडी में उतना न्यूट्रिशन है उसकी मेमोरी को एनहेंस कर सके, उसके दिमाग के सेल लेवल पे को एनर्जाइज कर सके। सबसे बड़ी मेजर रूट कॉज मुझे बताइए, घर में अगर पौधा होता है, पौधे को क्या करते हो आप लोग? पौधे में वैसे एक बार लगा छोड़ देते हो, पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, उसको धूप से बचाते नहीं हो, ऐसा करते हो क्या आप लोग? Am I right or not? Yes. क्या आप करते हैं ऐसा? हाँ या ना? प्रैक्टिकल शेप में ऐसे ही बच्चे हमारे परिवार में हैं, ऐसे ही बड़े हैं, ऐसे हम लोग हैं। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को वो सजग की तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। नेक्स्ट सर प्लीज। हम लोगों ने क्या किया कि इस रिसर्च में समझने की ये कोशिश की कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, क्या दिल्ली जैसे एरिया से मिलेगा, वहां पे जो नीम का पत्ता है, या मान लो जो पहाड़ों में है, या मान लो जो कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे पॉल्यूशन का थोड़ा सा भी नहीं है हिस्सा। आप ये मान के चलिएगा कि 15 से 20 फुट बर्फ पड़ी रहती है इन ऑर्गेनिक एरियाज में, जहां से हम आपके लिए बेरीज सुपर फ्रूट लेके आ रहे हैं, यहाँ से हम जड़ी बूटियां लेके आ रहे हैं। साल में 8 से 9 महीने यहाँ बर्फ पड़ी रहती है अनटेम्ड, वहां पे इंसान क्या परिंदा भी पर नहीं मारता। तो ये मान के चलिए आप जो यहाँ पे जूस यूज कर रहे हैं ब्लू बोनट, उसकी खासियत ये है कि आपको इन जगहों से जो जड़ी बूटियां और फल आ रहे हैं आपके घर परिवार में संपूर्ण पोषण तो देंगे ही देंगे, साथ में उन लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। मतलब आप दोनों तरफ से काम कर रहे हो, एक तो उन लोगों के लिए सहयोग कर रहे हो जिनको 8 से 9 महीने खाने को कुछ नहीं मिलता, बर्फ ही बर्फ होती है, मात्र 2 या 3 महीने उनकी जिंदगी में वहां पे काम होता है। जो कहां से लेके आते हैं, फॉरेस्ट एरिया से, जंगलों से, जंगलातों से जड़ी बूटियां और फल लेके आते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज। आप देख सकते हैं हमारे पास में सारे ऑर्गेनिक, यहाँ पे हमने मापदंड ले रखे हैं गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमारे पास में अगर ISO सर्टिफाइड है, हमारे पास आयुष का लाइसेंस है मेडिसिन बनाने के लिए, हमारे पास फसाई का लाइसेंस है, और सबसे अच्छी बात क्या है जो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्गेनिक, आई थिंक शायद आपको डॉट नजर नहीं आएगा, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हम जो बोल रहे हैं, मजे की बात है मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत कुछ बिक रहा है। प्रैक्टिकल शेप में वो ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा रहे हैं, और आप मुझे बताइए जहां पे बर्फ पड़ी है 8 से 9 महीने, जहां कोई यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता, जहां जंगलों में चीजें उग रही हैं आपके घर पहुंचने के लिए, क्या उसमें कोई कंटामिनेशन हो सकता है, क्या कोई एडल्ट्रेशन हो सकता है? फ्रेंड्स, ये चीज आपके घर में जो पहुंच रही है, ये आपके घर में एक जो बीज है, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको अंदर से वाइटलाइज करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। आप देख सकते हैं GMP मैन्युफैक्चर हमारा पास सारा यूनिट है, जहां पे 316L के नाम से एग्जांपल दे रहा हूं बताने के लिए, 316L ये एक ऐसा स्टील होता है जिसमें जो भी चीज बनाई जाए कंप्लीटली हाइजेनिक होती है। नेक्स्ट प्लीज। हम लोगों ने यहां पर
सेवन ई लाइफ में सबसे अच्छी बात क्या निकल के आई, हमने आयुर्वेद और न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन दिया आपको। होता क्या रहा आज तक कि आयुर्वेद में जब जड़ी बूटी बनती थी तो इतने उसके न्यूट्रिशन लॉस हो जाते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब आयुर्वेद जो है, अगर मान लीजिए आप तक पहुंचना है तो किस तरह से उसकी ताकत बरकरार रहे, हमने न्यूट्रिशन का भी पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। नेक्स्ट प्लीज। ऊपर वाला भी कहता है बहुत बढ़िया काम हो रहा है, यहाँ बैठे हैं और कह रहे पूरी खूबसूरत आबो हवा, राइट। नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा को हल्का सा ज्ञान दूंगा, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। व्हाई न्यूट्रिशन, पोषण की आवश्यकता क्यों है हमारे परिवार में? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूट्रिशन, पोषण तो 80% चाहिए आपकी बॉडी में, 20% एक्सरसाइज भी चाहिए अगर आपको एक्चुअल में हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर आपको अपनाना है। मतलब आपको अपने प्रति सजग होना पड़ेगा। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, लव योर सेल्फ। बोलिए मेरे साथ, लव करते हैं। मैं से पहले खुद से प्यार करना शुरू कीजिए आप। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे मेरे दोस्त, आप स्वस्थ होंगे तो आप बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। आपके लिए हर एरिना खुला है। सेवन लाइफ आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, मगर वो तभी कर पाएंगे जब सर्दी खांसी जुकाम से बच पाएंगे। Am I right or not? Yes. आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि हर साल 97% हमारी बॉडी जो है पूरी बदल जाती है। अबे क्या बात कर रहे हो यार, हम तो हर बार ऐसे नजर आते हैं। प्रैक्टिकल शेप में 97% आपकी बॉडी में पूरे बदलाव आते हैं। क्यों? जो साल में आपने जो खाना खाया वो साल के एंड में आपकी बॉडी के सेल लेवल चेंज होने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा यार, पिछले साल तो मैं बहुत स्मार्ट नजर आ रहा था, ये भी हो सकता है एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया थे मेरे। इस साल क्या हो गया मुझे, मेरे एनर्जी लेवल डाउन क्यों होते चले जा रहे हैं? मैं बुखार फील करता हूँ, मैं एनर्जी नहीं फील कर रहा। रीजन क्या है? रीजन एक ही मेरे दोस्त, न्यूट्रिशन की कमी। इस बात को समझिएगा। आप देख सकते हैं आपके घर में आप अपनी तरफ से बहुत बढ़िया खाना लेके आते हैं। कौन, मैं कहता हूँ रिक्शा वाला भी शायद दिन भर मेहनत करने के बाद में एक अपने परिवार में बढ़िया सोच, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी खाना आपके घर में आ रहा है, बुरा मत मानिएगा, एडल्ट्रेशन से भरा हुआ है, दाल है, सब्जी है, कुछ भी है, उसमें भरपूर एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं आप? एडल्ट्रेशन किसे बोलते हैं? नहीं पता सर। मिलावट, मिलावट। चाहे पानी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सुन के आपको हैरानी होगी कि चावल भी हमारे देश में चाइना जो है भेज रहा है वही प्लास्टिक के हैं। यस सर। तो कहने का मकसद ये, मेरे दोस्त, आप परिवार में अगर खर्चा कर रहे हो और अगर ध्यान देंगे तो हमारे शरीर में कहां पोषण रहा, पोषण की तो बहुत कमी है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो खाना हम खा रहे हैं, इस खाने में जो भी कंटामिनेशन बॉडी में जा रहा है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपका दिमाग से लेकर आपका पेट ले लीजिए, लंग्स ले लीजिए, हर चीज में आप टॉक्सिन्स जो है आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी डाउन होती चली जा रही है। नेक्स्ट। जिसमें आपने देखा होगा जोड़ों के दर्द घर में होते ही नहीं होते, बताइए। yes! शायद ही कोई ऐसा घर बचा है। मैं ये कहता नहीं हूँ आपके पड़ोसी में दर्द होगा, मैं कहता हूँ आज अपने घर में पहले चेक कीजिएगा कि आपके घर में माता है, बहन है, बहू है, बेटी है, पिता है, बच्चा है, या खुद अपने को ले लीजिए कि रात जब होती है तो आपकी क्या हालत होती है। सुबह ऐसे लगता है जैसे किसी ने खूब पीटा हो आपको, उठने का दिल नहीं कर रहा। व्हाई? बिकॉज मसल्स में कमजोरी हो रही है। नेक्स्ट। आप यहाँ देख सकते हैं डैमेज टू योर बॉडी टिश्यूज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। जितने भी हमारी बॉडी में कंटेमिनेशन आ रहे हैं, एक वर्ड याद रखिएगा, फ्री रेडिकल। बोलिए मेरे साथ, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक ऐसे विषाक्त तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में जब बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो आपके शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, ये तय है। नेक्स्ट। आप फ्री रेडिकल देख सकते हैं कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में आ रहे हैं। एक तो जो आप खाना तला हुआ खा रहे हैं और तेल भी घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद डालडा होगा, सरसों का तेल का जरूर इस्तेमाल कीजिए, गाय का घी का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दवा के ले सकते हैं इसको आप। आप यहाँ देख सकते हैं स्मोकिंग और टोबैको, मतलब आप सिगरेट को छोड़िए, गुटखे को छोड़िए, बहुत नुकसान हो रहे हैं मेरे दोस्त परिवार में, क्योंकि आपके चले जाने के बाद में
तब पता लगता है आपकी अहमियत क्या होती है। आज आप 10 मिनट के लिए अलग हो जाइए। मैं देखिए, परिवार में रात को मैं नहीं हूँ तो उनको कौन ध्यान देगा, उनके सपने कौन पूरे करेगा। और मैं सबसे पहली बात कहता हूँ कि अभी तो आपने अपना सपना भी पूरा नहीं किया। नेक्स्ट प्लीज। फ्री रेडिकल्स, ये होते क्या है? फ्री रेडिकल्स असल में क्या होता है, ये आपके सेल में से जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, जैसे घर में शादीशुदा जोड़ा आदमी और जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। जब पेयर को चुरा लेता तो क्या होता है, सेल वीक होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी में कंटेमिनेशन बढ़ जाएगा और बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। कैंसर हो, ओवरी में सिस्ट हो, कोई कैसी बीमारी क्यों ना हो, ये सारी की सारी बीमारियां आपकी बॉडी में धीरे धीरे निमंत्रित आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। आप छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन समझेंगे कि अगर मान लीजिए एप्पल है, सेब, अगर आप घर में रख दीजिए, ताजा लेके आइए, आप 5 से 10 दिन पड़े रहने दीजिए, तो क्या होगा, सेब गल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक करते हैं तो सेल की कंडीशन ये हो जाती है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स, आप ध्यान दीजिए ये है क्या और ये क्या काम करते हैं, आइए देखते हैं। कुछ 5 मिनट की बात मैक्सिमम रहेगी। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल्स बेसिकली डरते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट से। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली खाना है जो अगर आप पौष्टिक आहार लेते हैं तो उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। और कमाल की बात ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ये आपके बॉडी के कंटेमिनेशन को दूर करेंगे और आपके जो पेयर इलेक्ट्रॉन जो चुराया हुआ है उसको रिकवर करेंगे।